हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। अब ये स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, ये सवाल उठता है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो रिवर्स फंक्शन की मदद से कर सकते हैं क्या, एक बार चेक करते हैं, एक बार देखते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन आमतौर पर बनी रहती है। तो यहाँ पे ए नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर स्टोर कराता हूँ माई ग्रोइंग इंडिया, ग्रोइंग इंडिया ये स्टोर करा दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर माई ग्रोइंग इंडिया ये मैंने स्टोर कराया है, और अगर मैं यहां पर इसको रिवर्स कराता हूं, जैसे प्रिंट यहां पे लिखता हूं और इसके साथ साथ रिवर्स फंक्शन को ऐड करता हूं, आर ई वी ई आर एस ई, तो ये रिवर्स फंक्शन ऐड किया। और अगर मैं यहां पे ए लिख देता हूं, क्योंकि वेरिएबल का नाम तो ए ही है, अगर मैं इसको चलाता हूं और इसको सेव करता हूं, जैसे मान लीजिए किसी भी नाम से इसे सेव करते हैं, तो ये सेव कर दिया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके का नेम एरर आएगा, क्योंकि पाइथन में रिवर्स कराने के लिए, स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए जो है रिवर्स नाम का कोई फंक्शन नहीं है। तो ये पूछ रहा है क्या आप रिवर्स्ड कहना चाहते हैं, तो एक बार रिवर्स्ड पे चेक करते हैं क्या रिवर्स्ड पे हो जाएगा। तो ये रिवर्स्ड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसे चलाता हूं तो ये जो है किस तरीके का एक हमें आउटपुट देता है, ये जो है रिवर्स तो ये भी नहीं कर रहा है, तो रिवर्स फिर कैसे होगा। तो रिवर्स कराने का बड़ा आसान तरीका है, पाइथन में स्ट्रिंग के लिए रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स या रिवर्स फंक्शन को यूज हम नहीं करते हैं, तो फिर किसको यूज करते हैं। तो यहां पर जिसे भी रिवर्स कराना होना उसके लिए एक जुगाड़ू व्यवस्था है। देखिए क्या करना है आपको, यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, ठीक है, और यहां पर कॉलन लगाइए और फिर कॉलन, दो बार कॉलन लगा दीजिए और यहां पे माइनस वन कर दीजिए। ऐसी स्थिति में होगा ये कि यहां पर दो बार कॉलन से कॉलन, यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये चलेगा और फिर माइनस वन से इसको रिवर्स करता जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये माइनस वन से, अब माइनस वन तो यहां से स्टार्ट होता है ये आपको पता है ही, ये माइनस वन है आपका, तो इधर से ये रिवर्स करेगा। तो एक बार इसको चला के देखते हैं क्या ये रिवर्स कर रहा है या नहीं। तो यहां पर देखिए इसको चलाने पे ये देख सकते हैं बिल्कुल ठीक इसका रिवर्स प्रिंट करके हमें दे रहा है। देखिए यहां पर ए पहले आया है, इंडिया का ए, फिर आई आएगा, देखिए मैं यहां पे आउटपुट दोबारा ओपन करता हूं, ये देखिए फिर आई आएगा, फिर डी आएगा, देखिए जैसे जैसे ये दिया गया, और लास्ट में एम आया है, उसके ठीक पहले वाई आया है। तो यहां पे माई की स्पेलिंग आप देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिवर्स करा सकते हैं स्ट्रिंग को। आई होप की बात समझ में आई होगी और ये आसान भी है, ठीक है ना।